हेलो गाइस, आज मेरे पास रेडरिक 125 सीसी जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। लेकिन इसमें एक सेंसर की प्रॉब्लम थी, लेकिन सेंसर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो उसको ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हमारा सेंसर ख़राब है। तो उसके लिए मैं इसमें राइट स्कैन टूल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने चेक करके वीडियो डाली थी, लेकिन वो कन्फर्म था। लेकिन मैं राइट स्कैन यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सेंसर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसमें स्कैन करके देखते हैं कौन सा सेंसर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट स्कैन टूल है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और लास्ट तक देखना, जो कि इसमें आपको बताऊंगा। इसमें मल्टीमीटर का यूज़ भी करके आपको दिखाऊंगा, मल्टीमीटर से भी आप चेक करना पड़ता है, जो कि अगर आपकी राइट स्कैन से पता चल जाता है कि हमारा सेंसर ख़राब है, तो उसे मल्टीमीटर से भी हमें कंफर्म करना पड़ता है, जो क्या क्या कंफर्म करना है वो भी आपको ही बताऊँगा। यहाँ पर हमारा साथ टैब के साथ यहाँ पर आपको VCI मिल जाएगा, जो कि बाइक को स्कैन करता है। यहाँ पर इस तरह का आपको VCI मिलेगा, जो कि लेकिन मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो पीछे किस तरह से क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ हम इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़िल्टर निकलता है इस बाइक में, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो किस तरह से फ़िल्टर निकलता है, कि वही फ़िल्टर निकलता है कि और कोई फ़िल्टर निकलता है। उसको स्कैन करते हैं बाइक को, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ठीक है, बाइक को स्कैन करते हैं, इसमें कनेक्ट करता हूँ उसका VCI टूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है कपलर के साथ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं VCI लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चाबी ऑन करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चाबी ऑन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उसमें लाल लाइट जलने लगेगी, यहाँ पर इस तरह की लाल लाइट ब्लिंक करने लगेगी। ब्लिंक करने के बाद आपको टैब ओपन करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो टैब ओपन करना होगा, जो कि आपके पास होगा। उसको टैब ओपन करने के बाद इसमें आपको पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपका पासवर्ड लगा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें पासवर्ड लगा खोल लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, या इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो आपको बढ़िया आएगा, जो कि फास्ट चलेगा। उसके बाद आपको ऐप दिखा जाएगा राइट स्कैन टूल का। तो यहाँ पर देखो एक ऐप दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि आपके पास होगा, जो कि अगर आप स्कैन कर रहे हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ जरूरी डालनी पड़ती हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं, जो कि पासवर्ड हो गया वगैरह वगैरह, जो कि डालना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा डीलर कोड डालना पड़ेगा, पहले हमारा डीलर कोड डलेगा। ठीक है, डीलर कोड डालने के बाद यहाँ पर आपका VCI का पार्ट डलेगा, जो कि पास उस पर लिखा होता है, VCI पर देखकर आप डाल सकते हो। उसके बाद इस ऐप का एक पासवर्ड होता है, जो कि कंपनी की तरफ से दिया जाता है, या अपने आप भी लगा सकते हो पासवर्ड, जो कि अगर आपके पास है तो। यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का मिल जाएगा सिंबल, उसको लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें बाइक का कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर हमारे VCI में लाइट बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लाइट दूसरी रह जाएगी, नीली लाइट जल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमें बाइक स्कैन करनी है तो हमें ऊपर वाले पे कनेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर BS4 BS6 पे कनेक्ट करना है, हमारे नीचे BS6 है तो BS6 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी बाइक दिख जाएंगी BS6 की, तो हमें इसमें राइडर ढूंढना 125 cc, तो यहाँ पर राइडर 125 cc है, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देख लेना इशू किस चीज़ का है, तो यहाँ पर बॉस पे आपको क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैन करने में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप सभी बाइक में या स्कूटरी में सभी में लागू है, जो कि आप देख सकते हो जो मैं स्कैन कर रहा हूँ, उस तरह से आप सभी बाइकों में TVS की में स्कैन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टैब है तो। ठीक है, तो अगर आप राइडर बाइक की कोई भी TVS की मैनुअल बुक लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, नीचे मैं अपना व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप TVS की ऑल मैनुअल बुक ले सकते हो, BS4 या BS6 की ले सकते हो। ठीक है, स्कैन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंजन सिस्टम, जो कि यहाँ पर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो नीचे वाले पे नहीं, आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, बस सेम है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंजन सिस्टम, ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ फंक्शन, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ऊपर क्लिक करना होगा। ऊपर क्लिक करने के बाद आपको 5 ऑप्शन और दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 ऑप्शन, हमें एरर कोड निकालना है तो हमें ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्टिव में जाना होगा। यहाँ पर क्लिक करना है, एक्टिव में आपको यहाँ पर दिख जाएगा सेंसर का एरर, यहाँ पर देख सकते हो लैम्टा सेंसर है, जो कि ऑटो सेंसर बोल सकते हो या ऑक्सीजन सेंसर बोल सकते हो, लेकिन इस टैब में लैम्टा सेंसर दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लैम्टा ऐसा कुछ लिखा हुआ, लैम्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर मत जाना, आप नाम से हड़बड़ा जाओगे भाई कैसा कौन सा सेंसर है, तो आपको यहाँ पर एक कोड देख रहा होगा PB134, इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देख सकते हो P0134 है, सॉरी P0134 है, इसको आपको याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जाना होगा दूसरे पे, आपको चेक करना होगा, यहाँ पर हिस्ट्री में चेक करना होगा, तो हिस्ट्री में आपको चेक करना होता है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में कोई हमारा एरर नहीं दिखा रहा। ठीक है,
वो एक्टिव में हमारा एरर दिखा रहा है, वो एक्टिव है हमारा, वो हिस्ट्री में कोई एरर नहीं है। लेकिन इस पर मैं 2 बार स्कैन कर चुका हूँ, यहाँ से मैं एजेंसी टैब लेकर आया हूँ, वहाँ से मैंने स्कैन करके लेकर आया था इस बाइक को, ठीक है। 30-35 किलोमीटर चलाकर फिर से मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी वो सेम ही सेंसर दिखाई जा रहा है, ठीक है, लैम्डा सेंसर। अब सेंसर हमें कन्फर्म हो गया, हमारा सेंसर ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब मल्टीमीटर को यूज करना होगा। मल्टीमीटर को कैसे यूज करना है वो भी आपको बताऊंगा। अब आप आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रीन लाइट दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बटन दबाना होगा, यहाँ पर देख सकती हो ग्रीन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा एरर चला जाता है, ठीक है। जो कि मैं पिछली बार आपको बताऊं तो इस बाइक को मैं कहीं पर लेके गया था जो कि हमारे पास टैब नहीं था, दूसरी एजेंसी हमारी वहाँ पर लेके गया, वहाँ पर मैंने इसमें 2 सेंसर के दिखाए जाते, एक टेम्परेचर सेंसर एक लैम्डा सेंसर, 2 सेंसर का ऑप्शन एरर दिखा रहा था, ठीक है। तो उसको मैं 30 किलोमीटर चला के फिर लेके आया, फिर मैंने स्कैन किया तो इसमें लैम्डा सेंसर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको दिखा देता हूँ, मल्टीमीटर से आपको क्या क्या चेक करना होगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर से अगर आपके पास एरर निकल के आ गया तो अब आपको क्या चेक करना होगा, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को आपको यहाँ पर 20 के पे सेट करना होगा, यहाँ पर 20 के जब आप बैटरी चेक करते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो सेंसर है ऑक्सी सेंसर बोल सकते हो या लैम्डा सेंसर बोल सकते हो, इसका कपलर निकालना है। और इसमें मैंने चेक कर लिया लेकिन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस सेंसर को निकालना है। उसको आपको क्या करना होगा, इस सेंसर को निकालने के बाद आपको मल्टीमीटर की दोनों तार आपको लगानी होगी ऊपर जो कि इसके कपलर में, यहाँ पर इसमें वोल्टेज चेक करना होता है कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सेंसर आपका होगा तो आपको 12 वोल्टेज पे काम करेगा और एक्चुएटर है वो हमारा 5 वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कपलर में आपको लगा के चेक करना होता है कि कितनी हमारी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो इस चेक करने के बाद तो अगर आपका ये आपको चेक करना होगा, इसकी वायरिंग चेक करनी होगी, इसकी वायरिंग हमारी ईसीयू से लेकर इस कपलर तक चेक करनी होती है अगर आगे इसमें वोल्टेज शो ना हो, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज शो ना हो तो आपको इसकी वायरिंग चेक करनी है, वोल्टेज शो हो रही तो हमारी पीछे वायरिंग ओके है। उसके बाद आपको मल्टीमीटर से इसका सेंसर भी चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद आपको इसकी वायरिंग चेक करनी पड़ती है जो कि इस सेंसर की कहीं से आपकी वायरिंग कटी ना हो, ठीक है। इस सेंसर की आपको वायरिंग चेक करनी पड़ती है जो कि पीप पे रखेंगे यहाँ पर कनेक्ट करना और वहाँ से दूसरे सेंसर पे वहाँ से कनेक्ट करके इसकी वायरिंग चेक करनी होती है, कभी कभी इसकी वायरिंग भी टूट जाती है, ठीक है। इसकी वायरिंग चेक करने के बाद आपको जो कि इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए, मैं आपको साइड में PDF फाइल दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि XL100 और राइडर बाइक की सेम रीडिंग होती है ऑक्सी सेंसर की मल्टीमीटर में, ठीक है। तो आपको इस तरह चेक कर लेनी जो कि साइड में आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।